नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्त, वक्त और रिश्ते ये वो चीजें होती है जिन्हें हमें मुफ्त मिलती है, लेकिन इनकी कीमत का पता तब होता है जब हम इन्हें खो देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाता है, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ जाए वहाँ मंदिर बन जाए। और खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश रहकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगा। और अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार एक सिंह अपने शिकार को पकड़ लेने पर नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपना कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार शेर अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही आराम करना चाहिए और मौका प्रस्त लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वे अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति का जानवर अपनी हिंसा नहीं छोड़ता, अर्थात उन लोगों से सदैव बच कर रहिए जो मौका पाकर बदल जाने का भाव रखते हैं। ऐसे लोग सदैव अहितकारी होते हैं, वे केवल अपना स्वार्थ और अपने हित का ख्याल रखते हैं। समय आने पर वह धोखा देने से बाज नहीं आते। और दोस्तों, जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ के पीछे चलता है, ठीक उसी प्रकार आदमी के अच्छे बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। वे आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वे आपके द्वारा ही किया गया कर्म है और ये पीछा आपके मृत्यु उपरांत ही नहीं छोड़ता। लोगों के मन पर आपके अच्छे बुरे कर्म की छाप रहती है और उन लोगों से सदैव सावधान रहें जो आपके सामने मीठे मीठे बातें करते हैं। वे ठीक उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार एक घरे के बाहर दूध की परत लगी होती है और अंदर विष व्याप्त होता है। अर्थात ऐसे लोगों से सतर्क रहने की कहा जा रहा है जो आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें कहते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके सुख की इच्छा नहीं करते, बल्कि वे आपके सामने मीठा बने रहते हैं और भीतर से विषैले। ये बात ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक मिट्टी के पात्रे के बाहर दूध का लेप लगाया जाता है और अंदर विष भरा होता है। दोस्तों, व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माया या धन का स्थान केवल जेब में होना चाहिए, दिल में नहीं। और व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए और जब लोगों के बीच हो तो अपने शब्दों को संभालना चाहिए। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी में दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।